हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्कूल से आ चुकी हूँ, पर सबसे पहले चेंज करना है। इस गर्मी ने तो बाप रे मारे डाला। वो चेंज करने के बाद जो खुशी मिली, अरे ये बिंदी कहाँ गई। चलो निकाल देते हैं और फटाफट रेडी करते हैं आज की रेसिपी जो मैं बना रही हूँ, सिंधी कोकी। वो क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली हम जो भाकरी बनाते हैं वही है, बट ये सिंधी स्टाइल में है। तो फिलहाल उसके लिए मैं कट कर रही हूँ प्याज बारीक बारीक। प्याज कट करते ही फटाफट धनिया भी बारीक कट करना है, क्योंकि ये रेसिपी में और कुछ नहीं चाहिए, बस प्याज और धनिया ही लगेंगे वेजिटेबल में। बाकी मैं आपको बताती हूँ, चलो बताती हूँ क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो इसके लिए हमें चाहिए आटा, गेहूँ का आटा, ये है घी थोड़ा सा ज़्यादा, ये आपने देख लिया है जो मैंने बारीक बारीक कट किया। देखिए देखिए कितना अच्छे से कट करती हूँ मैं। फिर ये है अनारदाना पाउडर, नमक, अजवाइन, हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट। तो सबसे पहले आटा गूंदना है, तो उसके लिए मैंने लिया गेहूँ का आटा। अगेन जो आपकी क्वांटिटी है, घर वाले कितने मेम्बर्स उसके हिसाब से लेना। यहाँ पे आपने देख लिया मैंने कितना बड़ा कप गेहूँ का आटा लिया है, तो अराउंड 2 कटोरी जितना गेहूँ का आटा है। उसमें डालेंगे नमक, तो ये नमक इतना डालना है कि आपके सारे मसाले उसी में भिड़ेंगे, ऊपर से कुछ नहीं जाएगा। नमक डालते ही ऐड कर देंगे अनारदाना, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नहीं बनेगी हमारी सिंधी कोकी। तो ये ज़रूर डालना, स्किप नहीं करना है। और फिर उसमें डाल देंगे अजवाइन, तो थोड़ा हाथ से उसको मसल लेंगे फिर डालेंगे ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से आए। तो इसके लिए आपको भी ऐसे बिटवीन द पाम्स रब करके आप डाल देना, तो उसका अलग ही खुशबू आता है, फ्रेश लगता है खाने में। और फिर इसमें ऐड कर देंगे अदरक और मिर्च की पेस्ट 1 चम्मच, आधा चम्मच जितना बारीक कटा हुआ प्याज। और पहले सारे मसाले और प्याज को अच्छे से मिला लेना है, ताकि कोई भी मसाला एक साइड पे ना रहे और अच्छे से मिल जाए। तो ऐसे ही आपको सेम रेसिपी फॉलो करनी है। फिर उसमें ऐड करना है घी, तो इसमें मौन बहुत अच्छे से चाहिए। आप ऑयल भी डाल सकते हो, बट ये रेसिपी में घी ही जाता है, तो प्लीज़ घी ही डालना, उससे बहुत खस्ता फ्लेवर आएगा। तो घी को तो हम वेस्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से घी को मिक्स करना है ताकि मौन अच्छे से हो जाए। मौन मतलब यही कि खस्ता हो, तो घी जो हमने ज़्यादा डाला है उसको मौन बोलते हैं। तो अच्छे से मसलना है, इतना अच्छे से कि जब आप उसको मसलो और जब आप बाइंडिंग के लिए चेक करो तो मुट्ठी में पूरा अच्छे से आप बंद करो तो वो आपके हाथ में ऐसे बंध जाए। तो इसका मतलब ये है कि मौन प्रॉपर है। तो इसको अभी आटा गूंदने से पहले इसमें डाल देंगे हम धनिया, और वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे धनिया को, ताकि एक साइड पर लम्स ना हो जाए और मिक्स हो जाए। बहुत इजी रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। फिर इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है, और अगर आप ट्रैवलिंग के लिए लेके जा रहे हो तो इसमें प्याज मत डालना, बाकी सब चीज़ें डाल के आप ट्रैवलिंग के लिए भी लेके जा सकते हो, क्योंकि इसमें मौन है तो ये ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह मैंने आटा गूंद दिया, और इसका आटा एकदम सख्त गूंदना है, जैसे हम भाकरी के लिए आटा गूंदते सेम है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, अराउंड 2 से 3 मिनट तक। जी हाँ, देखो ये मेरा इशारा है, कितना मैं ऐसे ध्यान रखती हूँ कि मैं कुछ भूलूँ नहीं आप लोग। तो ऐसे ही बस इसको ढक दिया है और 2 मिनट हो चुके हैं, खुल जा सेम सेम एकदम परफेक्टली आटा हो चुका है। तो यहाँ पे मासी ने बोला चलो मैं बनाऊँगी, मैंने बोला ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम दोनों मिलके बना लेते हैं रेसिपी, तो उसको भी ये बड़ा इंटरेस्ट आया कि ये मैं ट्राई करूँगी। क्योंकि वैसे तो सेम ही है, थोड़ा मोटा ही बेलना है, और थोड़ा सा बीच में साइड्स में ब्रेक होगा तो ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इतना मौन है। अभी आप देख रहे हो तो ये नाइफ़ की मदद से उसको ऐसा बीच बीच में ऐसे कट करना है, वो इसलिए ताकि इसके जो स्टीम आएगा उसी से भाकरी अच्छे से बेक होगी, एकदम बिस्किट खस्ता बनेगी। तो ये स्टेप आप ज़रूर करना, बहुत मज़ा आएगा आपको ये करते वक्त, एकदम यू नो सेटिस्फाइंग है। इसके लिए मैंने तवा ऑलरेडी प्री हीट करके रखा था, क्योंकि फर्स्ट साइड हमें अच्छे से उसको सेकने देना है, और अब इसको पलट लिया है मैंने। फिर उसमें ऐड करेंगे घी ढेर सारा, और अच्छे से मिला लेंगे, घी को स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि इसको हमें लो फ्लेम पे ही सेकना है ताकि खस्ता बने, वरना ऊपर से पकेगा और अंदर से कच्चा रहेगा, वो मज़ा नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस रखना,
तो अगर आपको ये ट्रैवलिंग के लिए लेके जाना है, परफेक्ट है, कुछ अलग है, यूनिक है और बहुत टेस्टी भी है। तो घी तो चलता ही, ऑयल के कंपेयर में घी इज़ स्टिल अ हेल्दी ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है, एकदम खस्ता। और जिनको थेपला खा के बोर हो चुके या नॉर्मल भाकरी खा के बोर हो चुके, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो मैंने ये सेक लिया है, इसको प्लेट में मैं असेंबल करती हूँ। साथ में है दही और अचार, और दही के साथ मैंने ऐड किया थोड़ा सा बूंदी, वो टेक्सचर और क्रंच के लिए। तो बूंदी का रायता है, सिंधी कोकी है और साथ में है ये मिक्स अचार, परफेक्ट डिश। तो मैंने सोचा अभी मासी ने तो बना दिया है, तो सोचा चलो मैं भी एक बना ही लेती हूँ। तो डिश होने के बाद भी मुझे मन किया कि मैं एक बनाऊँ खुद, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो ये मैंने भी अच्छे से बेल दिया। तो फिलहाल मैं ये मासी के पास लेके जा रही हूँ, उसका रिव्यू लेंगे एज़ यूजुअल, क्योंकि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि रिव्यू ले। मैं सीखती भी उससे, अगर कम ज़्यादा हो तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी बनाए तो वो चीज़ ध्यान रखते हैं। तो ये लिया उसने पहला बाइट, एंड मेरा मन था भाई जल्दी खाओ और बताओ, हमको भी खाना है। का ऐसा ऐसा मुंडी हिला रहे हो, बोलते बहुत अच्छा, एज यूजुअल उसका फेवरेट स्टाइल है। मैंने बोला चलो अभी जल्दी जल्दी मामा को भी खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि भाई मुझे भी खाना है, कैसा बना है। और ये देखो एकदम संजीव कपूर शेफ की तरह आराम आराम से बैठे है, जैसे वो रहता है ना कि भाई हमें खाना बना के दो, हम टेस्टिंग करेगा। और इनको भी बढ़िया लगा, तो बस मैंने बोला ठीक है ना अभी टेस्ट कर ले, बोलते नहीं दिखता हूँ। तो देखो और एक बाइट लिया, ये जब सेकंड बाइट लेते हैं ना, मतलब समझ जाने का गाइस बहुत अच्छा लगा। अभी सभी ने खाया तो आ गई मेरी बारी, ये तो मैं आ गई किचन में, वो लोग देख रहे थे टीवी। तो चलो मैंने भी ले लिया एक छोटा सा बाइट एज़ यूजुअल, क्योंकि मैं बड़े बाइट्स तो ऑफकोर्स नहीं खा सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया छोटा सा बाइट, एंड गाइस क्या बना है। गर्मी में भी आपको मज़ा आएगा ये खाने को, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म है ना, गर्म मसाले सा कुछ भी नहीं है, परफेक्ट टेस्ट है, सारे फ्लेवर्स परफेक्टली आए हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको ये सिंधी कोकी कैसी लगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे ही शेयर कीजिए, मुझे प्यार दीजिए। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में भी। मैं छोड़ती हूँ अपने आप को कुकी के साथ, बाय गाइस।